हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज वन्ना। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक स्किन केयर रूटीन, जो कि होगा ऑयली स्किन वालों के लिए। बट अगर आपकी ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन है या तो नॉर्मल स्किन है, फिर भी हमारी जो स्किन होती है वो मानसून में बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है, ऑयली हो जाती है, तो आप सब लोग ये स्किन केयर रूटीन मानसून में फॉलो कर सकते हैं। बट जो ऑयली स्किन वाले हैं वो ऑल सीजन में ये स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं। आज मैं जो प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ सारी चीज़ें 150 के अंदर अंदर है, तो ये बहुत ही अफोर्डेबल स्किन केयर रूटीन होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं ये स्किन केयर रूटीन कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्किन केयर रूटीन का ऑलवेज जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है फेस को क्लीन करना। तो यहाँ पर मैं आयुर का डीप पोर क्लींजिंग मिल्क यूज़ करी, ये आपको आराम से 50 रुपीज में मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं एक कॉटन बॉल में क्लींजिंग मिल्क को लेकर फेस को अच्छे से साफ कर रही हूँ, क्योंकि हम पूरे दिन बाहर घूमते हैं जिसकी वजह से हमारे फेस पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी चिपकती है और उसे साफ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये जो क्लींजिंग मिल्क है वो हमारे पोर्स को साफ करेगा, धूल मिट्टी को क्लीन करेगा और हमारे फेस को अच्छे से क्लीन करेगा। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट तक आपको फेस को क्लीन करना है और जो सारी गंदगी होगी वो आपके कॉटन बॉल में आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने फेस को अच्छे से साफ कर लिया है। तो अब हमारा यहाँ पर जो सेकेंड स्टेप होगा वो है फेस को वॉश करना। तो यहाँ पर मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगी। एक तो है मेरे पास ऑयली स्किन वालों के लिए लेक्मे का ब्लश एंड ग्लो फेस वॉश, जिसकी प्राइस है 99 रुपीज। तो जो मेरे पास दूसरा है वो है रूप मंत्रा का मिक्स फ्रूट फेस वॉश। तो ये हमारी स्किन से ऑयल को, डर्ट को रिमूव करता है और पिंपल को भी रिमूव करता है। तो इसकी प्राइस है सिर्फ 83 रुपीज। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो आपके पास जो भी कोई फेस वॉश हो वो यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर फेस को अच्छे से वॉश कर रही हूँ और आपको 1 से 2 मिनट तक फेस पर मसाज करनी है, जिससे फेस की जो सारी गंदगी होगी वो निकल जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने फेस को अच्छे से मसाज कर लिया है। अब मैं यहाँ पर आपके सामने ही फेस को अच्छे से एक गीले टॉवल से साफ कर लूँगी और आप चाहो तो यहाँ पर फेस को अच्छे से पानी से वॉश भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने फेस को अच्छे से साफ कर लिया है। अब जो हमारा सेकेंड स्टेप आता है वो है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग हमें सिर्फ वीक में 2 बार ही करनी चाहिए, डेली स्क्रबिंग नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं स्क्रबिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ एवर यूज़ का एक्सफोलिएटिंग वॉलनट स्क्रब। ये हमारे फेस से ब्लैक हेड्स को, डेड स्किन को, वाइट हेड्स को रिमूव करता है, साथ ही साथ ये हमारे फेस पर एक नेचुरली ग्लो लाता है। तो इसकी जो प्राइस है वो है सिर्फ 35 रुपीज़। ये आपको आराम से लोकल स्टोर में इजीली मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ अपने नोज पर, फोरहेड पर ही इसे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स नहीं है। आप चाहो तो पूरे फेस पर ये स्क्रब को लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पर मेरे सिर्फ टी जोन एरिया में ही ये स्क्रब को लगा रही हूँ। अगर आपको नहीं पता कि टी जोन किसे बोलते हैं, तो टी जोन बोलते हैं हमारे फोरहेड को, नोज को और जो चिन एरिया होते हैं उसको बोलते हैं टी जोन एरिया। तो बहुत ज़्यादा लोगों को जो टी जोन एरिया होते हैं वो ऑयली होता है और जो रेस्ट ऑफ द फेस का एरिया होता है वो नॉर्मल या ड्राई होता है, तो उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्किन वाले। तो मेरी जो स्किन है वो कॉम्बिनेशन स्किन है, मेरी जो टी जोन एरिया वो ऑयली है, जो बाकी का जो फेस है वो नॉर्मल है। तो यहाँ पर मैं 1 से 2 मिनट तक फेस पर हल्के हाथों से मसाज करूँगी और जिससे हमारे फेस पर जो डेड स्किन होगी, ब्लैक हेड्स होगी, वो निकल जाएंगे। और इसके बाद मैं फेस को अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट और थर्ड स्टेप है वो है फेस पर एक फेस पैक लगाना। तो यहाँ पर मैं फेस पैक के लिए यूज़ कर रही हूँ एवर यूज़ का रिजुवेंटिंग क्यूकम्बर फेस पैक। जो ऑयली स्किन वाले होते हैं या तो बारिश के मौसम में हमारी जो फेस की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है, ऑयली हो जाती है, तो ऐसे में ये क्यूकम्बर फेस पैक हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसकी जो प्राइस है वो है सिर्फ 35 रुपीज़। ये आपके पोर्स में से जो गंदगी होगी उसको भी निकालेगा, साथ ही साथ ऑयल को कंट्रोल करेगा और आपकी स्किन को ब्राइटन भी करेगा। तो इसे भी मैं सिर्फ मेरे टी जोन एरिया में ही लगाऊंगी, क्योंकि मेरा जो टी जोन एरिया है वो ही ऑयली है। आप चाहो तो पूरे फेस पर भी इसे लगा सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसे लगा लिया है। अब इसे करीब में 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी और जब ये सूख जाए तब मैं नॉर्मल पानी से फेस को वॉश कर लूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है टोनर।
टोनर ओल्ड स्किन टाइप वालों के लिए मस्ट होता है, आपको इसे फॉलो करना ही चाहिए। अगर आप टोनर को फेस पर नहीं लगाते हो तो आज से प्लीज इसे लगाइए। टोनर हमारे फेस का जो पीएच लेवल होता है वो मेंटेन करता है, साथ ही साथ हमारी स्किन का जो पोर्स होते हैं उसको मिनिमाइज करता है। तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ बायोटिक का बायो क्यूकुम्बर पोर टाइटनिंग टोनर। ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए और ये 100% आयुर्वेदिक है, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। मैंने इसका पूरा वीडियो बनाया है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हो। तो आई नो कि इसकी प्राइस है 175 रुपीज, बट ये आराम से आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट या नायका में 150 तक मिल जाएगा। तो इसे आपको कॉटन बॉल में लेकर पूरे फेस पर डिप डिप करके लगाना है। तो यहाँ पर मैंने टोनर को अप्लाई कर लिया है। अब मैं 2 से 3 मिनट के लिए वेट करूंगी जिससे हमारे फेस पर जो टोनर होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोनर मेरे फेस पे अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है फेस को मॉइस्चराइज करना। तो यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शन है। तो एक तो है मेरा जो फेवरेट वो है नेक्निक का पीच मिल्क मॉइस्चराइजर, ये ओल्ड स्किन टाइप वालों के लिए और इसकी प्राइस है 90 रुपीज। और दूसरा मेरे पास जो ऑप्शन है वो है हिमालया का बेबी क्रीम। अगर आपकी ऑयली स्किन है और ऑयली में भी आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। ये पैराबिन, मिनरल और सिंथेटिक कलर से फ्री है और इसमें कोई भी कलर, कोई भी प्रिजर्वेटिव या कोई भी तरीके के केमिकल्स यूज नहीं किए गए। आप देख सकते हो प्योर है, जेंटल और सेफ है। अगर बच्चों के लिए ये क्रीम यूज कर सकते हैं तो हम भी इसे यूज कर सकते हो, तो आप ये भी लगा सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और ये हिमालया की जो बेबी क्रीम है इसकी प्राइस सिर्फ 70 रुपीज। तो यहाँ पर मैं अभी यूज कर रही हूँ लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइजर। तो आपको थोड़ा सा लेकर फेस पर अच्छे से लगा लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने फेस पर इसे अच्छे से मसाज करके लगा लिया है। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ दूंगी। तो आप देख सकते हो फाइनली जो मॉइस्चराइजर था मेरी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज करना। तो यहाँ पर मैं लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए यूज कर रही हूँ वैसलीन का लिप केयर टोटल मॉइस्चराइजर। इसकी प्राइस सिर्फ 20 या 25 रुपीज में आपको आराम से मिल जाएगा। तो मैं इसे अच्छे से लिप्स को मॉइस्चराइज करूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो टोटल स्किन केयर रूटीन है ऑयली स्किन वालों के लिए या तो ये मॉनसून स्किन केयर रूटीन यहाँ पर पूरा होता है। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा स्किन केयर रूटीन फॉलो करने के बाद हमारी स्किन पर अच्छे से ग्लो आ गया है, साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि हमारी जो स्किन है वो अच्छे से साफ हो चुकी है। तो आप देख सकते हो, तो अगर आपकी ऑयली स्किन है या तो मॉनसून सीजन में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, तो आप ये स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैंने जो प्रोडक्ट यूज़ किए आप वही प्रोडक्ट यूज़ करो, आपके पास जो भी प्रोडक्ट है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। तो अब मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।